हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ चावल के आटे का फरा बनाने, जिसके लिए मैंने एक कटोरी चावल का आटा ले लिया है। इसमें मूंग का दाल और चने का दाल है। 2 कप चने का दाल है, 1 कप मूंग का दाल है। इसे दिन भर भिगो करके रख दिया था, अभी धुल करके अच्छे से ले लिया है। पहले हम आटा लगा लेंगे चावल का, जिसके लिए कढ़ैया में पानी गर्म होने को रख दिया है। अब इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे, 2 चम्मच घी डाल देंगे। घी डाल करके छोड़ देंगे, पानी को उबाल आने देंगे अच्छे से। पानी में उबाल आ गया है, अब गैस को ऑफ कर देंगे और धीरे धीरे इसमें चावल का आटा मिला करके इस तरीके से मिक्स करके छोड़ देंगे थोड़ी देर, जब तक कि ठंडा ना हो जाए। ठंडा हो जाएगा तो हम अच्छे से हाथ से सान लेंगे इसको। जब तक आटा अच्छे से ठंडा हो रहा है तब तक दाल को पीस लेंगे। दाल को हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके दरदरा पीस लेंगे। दाल दरदरा पीस गया है, अब इसमें पड़ने वाले मसाले पीस लेंगे, जिसमें लहसुन, अदरक, जीरा, मरीच, हरा मिर्ची और हरा धनिया, ये सबको डाल करके मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेंगे। मसाला अच्छे से पीस गया है, अब इसे इसमें दाल में अच्छे से मिक्स कर। हरे मसाले डालने के बाद इसमें नमक डाल दीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से, जैसा नमक आपको पसंद हो, और थोड़ा सा हींग। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आटा भी ठंडा होने के बाद हाथ में थोड़ा सा तेल लगा करके इस तरीके से लगा लिया था। इडली के बर्तन में पानी डाल के गर्म होने को रख दिया। अब इसके बर्तन में अच्छे से तेल लगा करके इक्वल साइज की लोइया बना करके रख लेंगे, और बेलन के मदद से हल्का हल्का बेल तरीके का बेल लेंगे। बहुत मोटा और ना तो बहुत मोटा बेलेंगे ना तो बहुत पतला बेलेंगे। इसमें अब थोड़ा थोड़ा मसाला डाल देंगे। मसाला डाल के इसे अच्छी तरीके से करके और प्लेट में रख देंगे। इसी तरीके से सारे भरे भर करके तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से इडली के बर्तन में पानी रख दिया था गर्म होने को, पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इडली के बर्तन में सांचे में अच्छे से तेल लगा लिया है, अब इसमें एक एक करके फरों को डाल देंगे। डाल करके इसे इडली के बर्तन में डाल, इसी तरीके से सारे फरे को इडली के बर्तन में डाल करके ढक्कन लगा करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फरे को चेक कर लेते हैं, फरा स्टीम अच्छे से हुआ है कि नहीं। बीच में ऐसे एक चाकू डालेंगे, और ये देखिए चाकू हमारा बिल्कुल क्लीन आया है बाहर, मतलब फरा अच्छे से स्टीम हो गया है। अब गैस को ऑफ कर चावल और दाल का फरा बन करके बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है खाने में। इसे सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में कभी भी खा सकते हैं। आप इसे चटनी के साथ खाएँ या ऐसे खाएँ, ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।